एवं भुवनेश्वर रे सारा ओडिशा रे बोधे एटा प्रथम थर पई हबो हजार रु ऊर्ध हिंदू भाई भौणी शस्त्र निजे धारण करी गोटे शोभा यात्रा आरंभ करिवे शस्त्र एवं दंड माने लाठी आउ भगवा झंडा ये धरी हिंदू भाई भौणी माने आमर ए शोभा यात्रा आरंभ करिवे एवं ए शोभा यात्रा तो मु काहिंगी भाबुची प्रतिवर्ष षष्ठी रे सबु जागा रे हेबार आवश्यकता अछि। 9 तारीख रे गोटे विशाल रैली जोटा कि भारत बचावा को नहीं कि गोटे विशाल रैली हवा को जाऊँ सशस्त्र सहित बोली भी सुनाक मिली ये रैलीटा प्रकृत में कौन पाई हम आर मूल उद्देश्य की कौन रही है कहना से माँ दुर्गा षष्ठी पूजा भी रोचे भारत बचाओ रैली नुहे आमर एटा जो रैलीटा हेपाई जाऊँगी से रैली आयोजन करुच्ची भारत रक्षा मंच। भारत रक्षा मंच गोटे बहुत बड़ मंच आम देश 9 तारीख रे गोटे सशस्त्र राली राम मंदिर रु बाहर 9 तारीख दिन सकाळे सकाळे राम मंदिर पाखर शस्त्र पूजन हबो शस्त्र पूजन पर से राली मास्टर कैंटीन जीवो मास्टर कैंटीन रु राजमहल छक जाए जीवो राजमहल छक रु आसिकरी एजी छक रे पहुंचिकरी सेटा समाप्त हबो। सशस्त्र राली रो अर्थ हला अजय भाई आमर हिंदू मानकर आपण जानिथिबे आम हिंदू मानकर प्रत्येक देवादेवी हाथ में अस्त्र अछि प्रत्येक देवादेवी हाथ में अस्त्र अछि आमर शस्त्र आउ अस्त्र दुईटा हला आमर माध्यम हिंदू हिंदू मानकर तो आम देवादेवी माने अस्त्र काहेकि धरिछन्ति असुर मानकर विनाश करिया पई एवं आमर देवी माँ दुर्गा आमर महिषामर्दिनी माँ दुर्गांकर जो पूजा चली बर्तमान नवरात्रि चली 9 तारीख रे पड़ुछि षष्ठी षष्ठी दिन आमर खाली भार माने आम राज्य रे ए जो वर्तमान सशस्त्र राली आरंभ होबापई जाउची भारत रक्षा मंच द्वारा एक्चुअली आमे ए जो भारत रक्षा मंच तरफ रु गोटे बार्ता देबापई चाहूचु जे आम राज्यर प्रत्येक हिंदू भाई भौणी माने निज घरे षष्ठी पूजा दिन माँ को आवाहन कला समय रे शस्त्र पूजन कर शस्त्र पूजन हिंदू मानकर गोटे परंपरा शस्त्र पूजन एवं शस्त्र पूजा कर शस्त्र पूजा करी निजर माँ को आह्वान कर देवी माँ को आह्वान कर एवं भुवनेश्वर रे सारा ओडिशा रे बोधे एटा प्रथम थर पई हबो हजार रु ऊर्ध हिंदू भाई भौणी शस्त्र निजे धारण करी गोटे शोभा यात्रा आरंभ करिवे शस्त्र एवं दंड माने लाठी आउ भगवा झंडा ये धरी हिंदू भाई भौणी माने आमर ए शोभा यात्रा आरंभ करिवे एवं ए शोभा यात्रा तो मु काहिंगी भाबुची प्रतिवर्ष षष्ठी रे सबु जागा रे हेबार आवश्यकता अछि। आमर हिंदू जागरण रो आवश्यकता अछि अजय भाई वर्तमान सनातन धर्म बहुत बड़ विपद रे बहुत बड़ विपद रे एवं ए धर्म रे आमरी धर्म रो किछि भाई भौणी माने अछन्ती जो माने वर्तमान कथा गुडा को बहुत हालुका रे नउछन्ती से माने सचेतन नहंती तेणु करे हालुका रे नउछन्ती एवं आमको विरोध करुछन्ती आमको सांप्रदायिक बोली करी कहउछन्ती किंतु मु से मानको समस्त को सचेतन करी रखे यदि आमे माने आज ठू सतर्क नहेबा एवं ए सांप्रदायिक फांप्रदायिक कथा यदि आम मुंडरु न काढ़ीबा आगामी दिन रे बहुत अल्प दिन रे भविष्य आम पई भयंकर अछि ए सनातन धर्म को जो विलोप करिवार जो षड्यंत्र गोटे चली अंतराष्ट्रीय स्तर रे से षड्यंत्र रे से माने सफल हेबे एवं आमर सनातन धर्म लोप पाइब आमे माने समस्ते से मानकर जो मानकर धर्म से माने जते बेले जो माने से षड्यंत्र रे सफल हेबे से मानक धर्म को बाध्य रे ग्रहण करिवा नहले आम समस्त मुंड काट हबो। जदि जदि एककालीन भाव में एत लोक अस्त्र शस्त्र धरिकी गोटे शोभा बाहर गोटे दंगा परिस्थिति सृष्टि होवार भी गोटे चान्स ना कि आज्ञा पंजाब रे खाली पंजाब रे नुहे सारा भारत वर्ष रे खाली सारा भारत वर्ष नुहे पूरा पृथ्वी पृष्ठ रे जिते सब शिख भाई आमर अच्छा से मानी जानते अस्त्र जो खंडा से पूजा सामग्री सेमानकु समस्त को अधिकार मिली से माने गोटे गोटे अस्त्र निज सांगे रे धरिकी बुलाई कहीं आत्मरक्षा करवाई निजर समाज रक्षा करवाई निजर परिवार रक्षा करवाई से शस्त्र धरिकी बुलूँ सांविधानिक अधिकार मिली ठीक से भली हिंदू धर्म रे मध्य प्रत्येक देवादेवी हाथ में अस्त्र अच्छी ए अस्त्र आमे धरिकी बुलवापी आमको संविधान अधिकार मिलवार आवश्यकता अच्छी सांविधानिक अधिकार मिलवार आवश्यकता अच्छी आमर आत्मरक्षापी
ଆମର ପରିବାରର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆମ ସମାଜର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶର ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବାର ଅଧିକାର ଆମକୁ ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏତେ ଲୋକ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ବୁଲିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ବାକି ଅନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ ଆଜ୍ଞା। ଏ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ବର୍ଗର ଲୋକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ପତାକା ଧରିକିରି ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ତ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି। ଏଠି ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ପୂଜା, ଆମେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ବୁଲି ଆଇଲେ ଏମିତି ହିଂସା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ତ ଶାନ୍ତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆମେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆମେ ଚଲେଇବୁ। କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ରହିବେ? ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରହିବେ। ଏବଂ ଆମେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ 9 ତାରିଖରେ, ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଦିନ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଦିନ ସକାଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେହିଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶସ୍ତ୍ର ପୂଜନ କରି ଆମେ ଏଇ ସଶସ୍ତ୍ର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରିବା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ରାଜମହଲ ଦେଇକରି ଏଜି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଏକପାଳୀନ ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏମିତି ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ, ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକିରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକିରି ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକିରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବେ। ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି କ'ଣ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି, ନା କାହାକୁ ହାଣିବେ ବୋଲିକିରି? ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ହେ ସୁପ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନ ଯେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଲାଣି, ସେଇମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଦିନ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲାବେଳେ ଶସ୍ତ୍ର ପୂଜନ କର।